तो आज का टॉपिक है फर्मेट प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल दो पॉइंट्स के बीच में लाइट के प्रोपोगेशन को बताता है कि दो पॉइंट के बीच में जब लाइट प्रोपोगेट करती है तो उसका नेचर क्या होता है, वो किस पाथ को फॉलो करती है। दो पॉइंट्स के बीच में लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो किस पाथ को फॉलो करती है, ये फर्मेट प्रिंसिपल से पता चलता है। तो फर्मेट प्रिंसिपल को फर्मेट ने 1650 में दिया था। फर्मेट प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, और इसके लिए हमें ज्योमेट्रिकल पाथ पता होना चाहिए। तो दो पॉइंट्स के बीच में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसके एक्चुअल डिस्टेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। द ज्योमेट्रिकल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसका एक्चुअल पाथ को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। ओके, उसके बाद क्या होता है, लाइट आपको पता है वैक्यूम और सभी तरह के मीडियम्स में लाइट प्रोपोगेट कर सकती है। हर मीडियम का अपना एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्योमेट्रिकल पाथ के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ज्योमेट्रिकल पाथ ऑफ दैट मीडियम। देखिए, फर्मेट प्रिंसिपल से पहले क्या माना जाता था, ये माना जाता था कि लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जो शॉर्टेस्ट पाथ हो। दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, लेकिन लाइट किस पाथ को फॉलो करेगी जो शॉर्टेस्ट हो। तो लाइट दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ट्रेवल करती है। बिफोर फर्मेट लॉ इट इज अज्यूम दैट द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ which can be explained with the help of reflection. तो देखिए, reflection में ये एक reflecting surface है, ये incident ray है, normal reflected ray. तो एक light A point से B से फिर C point तक पहुँचती है, तो इसका path क्या हुआ, A B B C. तो हम ये बताना चाहते हैं कि reflection के केस में light shortest path को follow कर रही है। अगर हम देखिए, तो इसको समझने के लिए ये जितनी distance पर C point है, यहां से उतनी ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं विच इज सी डैश। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, बीसी किसके इक्वल है, बीसी डैश के। तो देखिए, लाइट का जो पाथ हुआ वो कितना हुआ, पाथ क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल पाथ हुआ ए बी प्लस बीसी, और हमें पता है बीसी किसके इक्वल है, बीसी डैश के। तो बीसी इक्वल है बीसी डैश के, तो ये पाथ हो गया है ए सी डैश। तो एक तरह से लाइट जब ए से बी और बी से सी जा रही है तो उसका पाथ क्या हुआ, ए सी डैश के बराबर उसका ज्योमेट्रिकल पाथ हुआ। अगर हम कुछ दूसरा इसके अलावा इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के लिए दूसरे पाथ को इमेजिन करते हैं, ये तो रिफ्लेक्शन वाला पाथ हुआ। अगर रिफ्लेक्शन, अगर लाइट किसी दूसरे पाथ से जाती तो वो टोटल डिस्टेंस कितनी होती। अब लाइट हम मानते हैं कि ए से ये जा रही है ई पॉइंट पर और ई से जाती है सी पर। ओके, इस केस में देखिए, इस ई को हम इस सी डैश से ज्वाइन करेंगे, तो इस केस में इसका पाथ कितना है, ए ई प्लस ई सी। EC किसके इक्वल है, EC डैश के। तो AE प्लस EC डैश, देखिए AE प्लस EC डैश जो पाथ है वो बड़ा है किस पाथ से, AC डैश से। इसका मतलब दूसरा हमने पाथ लिया वो इस पाथ से बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों में ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके, हम एक पाथ और लेते हैं कि लाइट A से इस पॉइंट पे जाती है और फिर से इस पॉइंट पर आती है, ये पॉइंट F मान लेते हैं। तो देखिए, ए एफ प्लस एफ सी डैश वाला पाथ भी ए बी सी डैश वाले पाथ से बड़ा है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन के केस में लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल कर रही है तो कौन से पाथ को फॉलो कर रही है, वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर रही है। तो अभी तक हमने ये देखा था कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग ट्रेवल करती है। तो अब देखिए, रिफ्रैक्शन के केस में लाइट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो नहीं करती है। कैसे नहीं करती है, देखिए, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये एक नॉर्मल है
और लाइट को इस ए पॉइंट से यहाँ ट्रेवल करना है। ये मीडियम है एयर और ये मीडियम है ग्लास। तो जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड होगी। ये नॉर्मल प्रिंसिपल सबको पता है रिफ्रैक्शन का। तो ये पॉइंट है बी, तो लाइट जाती है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इस पाथ के अलोंग। लेकिन ये पाथ शॉर्टेस्ट नहीं है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी तक के लिए ये है। और अगर लाइट इस पाथ से जाती तो ये भी ए से, ए और बी से शॉर्टेस्ट होता। तो लाइट ए से ओ जा रही है और फिर ओ से बी। रिफ्रैक्शन के केस में लाइट शॉर्टेस्ट पाथ के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है। तो इस इनकंसिस्टेंसी को बताया था फर्मेट ने। तो यहां से फर्मेट लॉ स्टार्ट होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्मेट सजेस्टेड दैट प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कैन बी रिप्लेस्ड, कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम, प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम और लीस्ट टाइम। तो फर्मेट ने यह चीज सजेस्ट की, ये सजेस्ट किया कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में उस पाथ को फॉलो करती है जो लीस्ट टाइम लेता है। तो यहां पे लिखेंगे लाइट अकॉर्डिंग टू फर्मेट, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग दैट पाथ विच रिक्वायर्स लीस्ट टाइम। लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में उस पाथ को फॉलो करती है जो लीस्ट टाइम लेता है, लीस्ट टाइम के पाथ पर ट्रेवल करती है। देखिए कैसे समझेंगे इस बात को हम। तो इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक तालाब है, एक पॉन्ड है यहां देखिए, और यहां पर एक बोट है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम यहां पर खड़े हैं, हमें इस बोट में बैठना है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे स्विमिंग करना और यहां तक पहुंचेंगे, या दूसरा केस हम यहां से पहले चलकर यहां पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से हम इतना डिस्टेंस वाटर में कवर करेंगे, ट्रेवल करेंगे। तो अगर हम इस पाथ से चलते हैं तो हमारा पाथ तो देखो शॉर्ट है, पाथ तो हमारा छोटा है, लेकिन हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा ज़्यादा टाइम? क्योंकि पानी में हमारी स्विमिंग करने की स्पीड बहुत कम होती है। तो इस केस में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, पाथ तो शॉर्ट है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर हम इस पाथ के अलोंग चलेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाथ तो बड़ा है, रास्ता बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमें वॉक करने में हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ग्राउंड पर हम जब वॉकिंग करेंगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हमें टाइम कम लगेगा, और यहाँ हमें ये देखिए हमें पानी में बहुत कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो इस पाथ के अलोंग अगर हम चलते हैं तो हमें कम टाइम लगता है, और इस पाथ के अलोंग अगर हम चलते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है लाइट भी। तो लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है, तो लाइट उस मीडियम में ज़्यादा ट्रेवल करना चाहती है जहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा हो। तो यहाँ पर इस पाथ को कवर करने में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी एयर में, और कम डिस्टेंस कवर कर रही है वाटर में। तो ए से ओ और ओ से बी,
इस पाथ में टाइम लग रहा है सबसे कम, क्योंकि एयर में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है और वाटर में कम कम, इस तरह से। लेकिन इस पाथ को देखो, इसमें हम इसमें लाइट एयर में कम डिस्टेंस कर रही है ट्रेवल, और वाटर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसमें वाटर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। वाटर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने से स्पीड कम होगी और टाइम ज्यादा लगेगा। तो बाकी दोनों पाथ में टाइम ज्यादा लग रहा है, ए ओ बी पाथ में टाइम कम लग रहा है। तो दो पॉइंट के बीच लाइट उस पाथ को फॉलो करती है जहां टाइम कम लगता है। तो यह है शॉर्टेस्ट टाइम का प्रिंसिपल। अगर लाइट को इस पी से क्यू पॉइंट तक चलना है और लाइट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर रही है और लाइट की स्पीड वी है, इन टोटल टाइम लाइट टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगी वी स्पीड से, तो इन डीटी टाइम लाइट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ एल ऑफ डी एल देन। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस, कितनी कवर कर रही है डीटी टाइम में डी एल, किस स्पीड से कवर कर रही है बी स्पीड से। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम बाय इंटीग्रेशन, तो पी से क्यू जाने में टोटल टाइम लगेगा टी। हम इंटीग्रेशन कर देंगे इस पाथ का कहां से कहां तक, पी से लेकर क्यू तक, और अपॉन में क्या पड़ा है हमारे पास वी। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई। पी से क्यू जाने में टोटल टाइम हमें लगेगा, पी से क्यू तक हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू पुट कर देंगे सी बाय म्यू। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे सी बाय म्यू, वी की जगह सी बाय म्यू, पी से क्यू तक इंटीग्रेशन। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो ये जो पाथ है म्यू डी एल पी से क्यू, इसे हम लिख देंगे ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइट किस पाथ को फॉलो करेगी, शॉर्टेस्ट टाइम वाले पाथ को। तो टाइम क्या है? शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, ये सब मैक्सिमा मिनिमा, ये सब कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है। तो कहने का मतलब पी से क्यू तक लाइट एक ही रास्ते को फॉलो करेगी जिसमें शॉर्टेस्ट टाइम हो। इसका मतलब टाइम क्या रहेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? कॉन्स्टेंट। तो पी से क्यू, बिटवीन पी टू क्यू लाइट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ, इट मीन्स टाइम इज कॉन्स्टेंट। तो टाइम अगर कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पाथ क्या होगा? जीरो। ये बात आपको समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट बात है। शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा, तो मैक्सिमा का डिफरेंशिएशन भी जीरो और मिनिमा का डिफरेंशिएशन भी जीरो, क्योंकि शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट कॉन्स्टेंट ये सारी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू path is zero. Total time between two points is equal to optical path upon speed of light. तो यहाँ पर speed of light c constant होता है, तो constant हटेगा तो आएगा proportional. It means time is proportional to optical path. तो हम इसे वापस से ऐसे कह सकते हैं, इस formula को लिख सकते हैं कि light एक point से दूसरे point तक ट्रेवल करने में उस पाथ को फॉलो करती है जिसका ऑप्टिकल पाथ मिनिमम हो। लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए पाथ हैविंग द मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ऑप्टिकल पाथ मिनिमम हो, इसका मतलब अगर ऑप्टिकल पाथ का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पाथ तो जीरो होगा। दो पॉइंट्स के बीच में एक ही ऑप्टिकल पाथ होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फर्मेट प्रिंसिपल से लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे।